नमस्कार। तो आज या फिर हम आग्नो फैशन लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो आग्नो फैशन लिमिटेड स्टॉक की बात की जाए तो 27.12 पे आज क्लोजिंग दे चुका है आग्नो फैशन लिमिटेड स्टॉक। BSE में लिस्टेड है, आप देख सकते हैं स्टॉक BSE पे लिस्टेड है, उसका कोड भी आप लोगों को मिलेगा। तो देख सकते कि आज 2.22 पैसे की गिरावट देखने को मिले स्टॉक के अंदर। तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते कि 7 to 8% की गिरावट होती हुई दिखाई दी है यहाँ पे आर्नो फैशन लिमिटेड स्टॉक के अंदर। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते कि स्टॉक ओपन होते ही स्टॉक में गिरावट नजर आई थी और प्रीवियस क्लोजिंग का रेजिस्टेंस लगा और तकरीबन देख सकते कि स्टॉक में नया फ्यूचर वीक लो देखने को मिला। 27 लो पे यहाँ पे आप देख सकते स्टॉक ने सपोर्ट लिया और उसी के ऊपर क्लोजिंग दे चुका था। आज का लो देखोगे 26.91 का है और 52 वीक लो देख सकते कि आज नया 52 वीक लो देखने को मिला है आर्नो फैशंस में, देख सकते कि तकरीबन 26.91 का। तो स्टॉक काफ़ी वीक नज़र आता हुआ दिखाई दिया है। लास्ट फ्राइडेज में भी देख सकते कि स्टॉक की बात की जाए तो यहाँ पे पिछले 5 दिनों में स्टॉक टोटली 15% की गिरावट देखने को मिले स्टॉक के अंदर। तो मार्केट कैप जो है 114 करोड़ का है, पी रेशियो अच्छा है और डिविडेंड भी दे रहा है अच्छा सा स्टॉक, फिर भी यहाँ पे नेगेटिविटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। लास्ट 1 मंथ में 24% तक गिरावट हो चुकी है, स्टॉक टोटली वीक नज़र आ रहा है। चार्ट के ऊपर भी नज़र डाली जाए तो देख सकते कि स्टॉक में काफ़ी वीक मोमेंटम देखने को मिले, क्योंकि स्टॉक यहाँ पे आप देख सकते कि स्टेबल था। यहाँ पे आप देख सकते कि तकरीबन मंथ ऑफ जनवरी तक स्टॉक स्टेबल था 40 लेवल के ऊपर, पर फेब्रुवरी में जैसे ही यहाँ पे स्टॉक ने 40 को ब्रेक किया तो उसी के साथ यहाँ पे स्टॉक ने इस मंथ में 30 लेवल को ब्रेक किया, सपोर्ट भी लिया था काफ़ी समय पर। यहाँ पे देख सकते ब्रेक किया, जैसे ब्रेक हुआ तो स्टॉक में 2 दिन यहाँ पे तेजी के साथ गिरावट देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते कि 30 लेवल सपोर्टिव जोन था उसको ब्रेक डाउन किया है स्टॉक ने और नीचे जाने